साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में उपन्यास। अधिकांश स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों ने स्वाधीनता के उपरांत उत्पन्न बाह्य और आंतरिक स्थितियों पर कथानक को आधारित किया है। उपन्यासों की प्रवृत्ति तात्कालिक समस्याओं को सामाजिक संदर्भ में उभारने की अधिक रही है। स्वाधीनता के उपरांत जो परिवर्तन आया है उसे पूर्व स्थिति के साथ रखकर टूटते हुए आदर्शवाद, बढ़ते हुए अवसरवाद और ईमानदारी को कुटिलता के चक्रव्यूह में जूझते हुए दिखाना हिंदी उपन्यासकारों की प्रवृत्ति रही। सामाजिक परिवर्तनों को ब्यौरे से प्रस्तुत भी किया गया। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों को विषय वस्तु की दृष्टि से इन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यासों में विकास का प्रवाह कम गतिशील होता है। इनका उद्देश्य अंचल विशेष के वातावरण की विशिष्टता का चित्रण होता है। व्यतीत होता हुआ पात्र पाठक में एक प्रकार की कचोट या मोहकता भर देता है। आंचलिक कृतियों की प्रकृति, भाषा, रीति रिवाज सब मिलकर अपने आप में ही उद्देश्य बन जाते हैं। उनका आत्मीय विवरण ही ऐसा रंगीन हो जाता है कि यथार्थगत विषमता ओझल हो जाती है। ऐतिहासिक विकास अपेक्षाकृत महत्वहीन हो उठता है। सभी आंचलिक उपन्यासों के बारे में ये कथन समान रूप से लागू नहीं होता, लेकिन रेणु के सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास मैला आंचल आदि के बारे में ये कथन दूर तक लागू होता है। मैला आंचल की शक्ति उसके सविस्तार अंकन में है। मैला आंचल का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। एक ओर उस पर पड़ता हुआ नई स्थितियों का दबाव और दूसरी ओर परंपरा का मोह, इस तालमेल से दोनों की विशेषता निखर उठी है। शताब्दियों से एक रस जीवन पर नए युग की पहली चोट बहुत मार्मिक हो उठी है। इस आंचलिकता में दारुण यथार्थ है। कुछ आंचलिक उपन्यास अवश्य ऐसे हैं जिनमें यथार्थ की विषम परिस्थितियां ओझल नहीं रहती, जैसे नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बलचनमा, भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया धरती आदि। राही मासूम रजा का आधा गांव अपने अकुंठ यथार्थ चित्रण में विशिष्ट है। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है, जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। मुसलमानों की हिंदुओं से विशिष्टता या भिन्नता तो लोग देखते थे, किंतु उन्हें किसी अंचल का अंग बनाकर इसमें पहली बार प्रस्तुत किया गया है।
सामाजिक पारिवारिक उपन्यास। इस दौर में सामाजिक पारिवारिक उपन्यासों में टूटते हुए परिवारों, स्त्री पुरुष के नए संबंधों, राजनीतिक भ्रष्टाचार का पात्रों पर प्रभाव और यौन चेष्टाओं का चित्रण, ये सब मिलता है। यद्यपि कथानक प्रायः आर्थिक स्थिति एवं स्त्री पुरुष के संबंध के ही चारों ओर घूमता है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र में राजनीति मात्र को भ्रष्टाचार का स्रोत बताया गया है। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे वस्तुतः नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना की कथा है। मोहन राकेश के इस उपन्यास का प्रभाव उनकी अधिकांश कहानियों के प्रभाव से भिन्न नहीं है। राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग उस दंपति की कथा है जो बेईमानी और कुटिल दांवपेच की दुनिया में रह नहीं सकता। इसमें भी ध्यान राजनीतिक और नर नारी संबंधों के स्वार्थपूर्ण उपयोग का उद्घाटन करने पर है। उपेंद्रनाथ अश्क मध्य वर्ग के जीवन की विविधता को उसकी संपूर्णता में प्रकाशित कर देते हैं। वे कथा को विस्तार से कहते हैं। निसंदेह अश्क की औपन्यासिक क्षमता उनके उपन्यास गिरती दीवारें में पूरी तरह दिखलाई पड़ती है। बड़ी बड़ी आंखें उनका एक अन्य उपन्यास है। कामकाजी नारी की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद मध्यवर्गीय संस्कारों का आघात उसे कैसे सहना पड़ता है, इसे चित्रित करने की दृष्टि से रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश उल्लेखनीय है। बेघर में ममता कालिया ने नैतिकता से चिपटे नवयुवक की यातना का चित्रण किया है। फ्रॉयड आदि मनोविश्लेषण शास्त्रियों का प्रभाव हिंदी कथा साहित्य पर स्वतंत्रता के पूर्व ही पड़ चुका था। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय ने मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया। इसी परंपरा में दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर देवराज ने अजय की डायरी लिखा। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप पर राजनीति, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण तीनों का प्रभाव है। कुल मिलाकर नदी के द्वीप यौन भावना प्रधान उपन्यास है जो अज्ञेय की चिंतन पद्धति को ध्वनित करता है। अजय की डायरी डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें दाम्पत्य जीवन का विचलन, लड़कियों की शादी की समस्या, शिक्षा जगत में फैला भ्रष्टाचार, इन सब को एक दूसरे से संबद्ध कर दिया गया है। अस्तित्ववादी उपन्यास। अज्ञेय का एक अन्य उपन्यास अपने अपने अजनबी है, जहां तीन चार लोग भयंकर बर्फीले मौसम में एक साथ रहने को बाध्य हो गए हैं। मानव की अंतिम नियति मृत्यु उन पर छाई रहती है। मृत्यु के संदर्भ में उनकी अतीत और वर्तमान चेष्टाएं महत्वहीन और निरर्थक लगती है। नियति और व्यर्थता बोध उपन्यास के केंद्र में है। ऐतिहासिक उपन्यास। वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी 1950 में लिखा। वर्मा जी की कथा वस्तु में बहुत विचित्रता एवं आकर्षण है। बुंदेलखंड का जीवन सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है, ये उनके उपन्यासों में पर्याप्त दिखाई पड़ता है। राहुल जी ने सिंह सेनापति 1957 में लिखा। सिंह सेनापति का नाम अंगुत्तर निकाय में आया है। वो जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। उस युग के अनेक सूत्रों को अपने युग से मिलाना इस उपन्यास का उद्देश्य मालूम पड़ता है। चतुरसेन शास्त्री ने 1949 में वैशाली की नगरवधु नामक एक बृहत रोमानी उपन्यास लिखा, जिसमें कथा को ऐतिहासिक वातावरण में देखा गया है। लेखक ने ह्रासोन्मुख बुद्धकालीन भारत के विलासी और मादक रूप को धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बीच प्रस्तुत किया है।
इस बीच हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारू चंद्रलेख 1963 में लिखा, पुनर्नवा 1973 में और अनामदास का पोथा 1977 में लिखा। इन उपन्यासों में द्विवेदी जी अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ होते गए हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा में वातावरण और मनस्थितियों की तीव्रता और संयम का चित्रण प्रधान था। चारू चंद्रलेख की मूल कथा प्रबंध चिंतामणि से ली गई है। इसमें आदिकालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियां चित्रित हैं। उस काल में अनेक धार्मिक साधनाएं किस प्रकार एक दूसरे से टकरा रही थीं, ये देखने में आ जाता है। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य धार्मिक कर्मकांड और रहस्यमयता की निस्सारता दिखाकर मानवीयता को प्रतिष्ठित करना है। पुनर्नवा में लोरिक चंदा की लोक कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़कर कथा में कालिदास को भी ले आया गया है। इसमें सामाजिक विधि निषेधों की पुनर्परीक्षा की गई है। अनामदास का पोथा छांदोग्य उपनिषद की एक कथा पर आधारित है। इसमें परम सत्ता विषयक ज्ञान साधना और रागात्मक वृत्ति का एक प्रकार से सामंजस्य है। अमृतलाल नागर का उत्कृष्ट उपन्यास मानस का हंस 1972 में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी के महान कवि तुलसी के मानसिक विकास और उस युग के विविधतापूर्ण जीवन को साक्षात कर देता है। उन्हीं का उपन्यास खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। राजनीतिक उपन्यास इस दौर में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखकर ऐसे उपन्यास लिखे गए जिनसे ऐतिहासिक प्रभाव की अनुभूति पाठक को हो जाती है। इनमें सामान्य जनसमूह पर पड़ते हुए राजनीतिक दबाव को बहुत सामान्य घटनाओं और मनस्थितियों के चित्रण के माध्यम से संकेतित किया गया है। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, भीष्म साहनी का तमस ऐसे ही उपन्यास हैं। इनमें लेखक की परिपक्व राजनीतिक समझ राजनीति को बहुत व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। झूठा सच 1958 विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। भारत विभाजन की त्रासदी कितनी भयंकर और प्रभाव में दूरगामिनी है, इस पर यशपाल जैसे पुराने क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध लेखक का ध्यान जाना उचित ही था। एक बहुप्रचारित झूठ यानी सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच अर्थात भारतीय जनता की वास्तविक आकांक्षा को पीछे धकेल दिया। इस घटना ने कितने व्यक्तियों को कितने रूपों में पीड़ित किया, इसकी वेदना ये उपन्यास पाठक को संप्रेषित करता है। पंजाब की विभाजन पूर्व स्थितियों का स्मृत रूप कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा उपन्यास में दिखाई पड़ा। मन्नू भंडारी का महाभोज भी एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं व्यक्त हुई हैं। व्यंग्य प्रधान एवं अन्य प्रकार के उपन्यास। भैरव प्रसाद गुप्त ने अंतिम अध्याय नामक उत्कृष्ट व्यंग्यपूर्ण उपन्यास लिखा। इस दौर में अन्य प्रसिद्ध व्यंग्य प्रधान उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा है। जोशी का कसब क्षेत्रीय प्रेम कथा है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा शिक्षा जगत की हलचलों का चित्रण मौलिक ढंग से करता है। इस क्षेत्र को उपन्यास के विषय के रूप में चुनना महत्वपूर्ण प्रयोग है। आज बहुत बड़ी संख्या में उपन्यास लिखे जा रहे हैं जिनकी विषय वस्तु में विविधता है और शैली में नवीनता। आज का उपन्यासकार कलात्मक रुझान के प्रति अधिक सजग है। उपन्यासों के विन्यास और संरचना में गहरा बदलाव आया है। समकालीन हिंदी उपन्यास को किसी एक विशेष श्रेणी में बांटकर देखना मुश्किल है। एक तरफ मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती
भीष्म साहनी जैसे वरिष्ठ उपन्यासकारों की रचनाएं सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर विनोद कुमार शुक्ल का नौकर की कमीज, असगर वजाहत का सात आसमान, कामता नाथ का काल कथा, भगवान दास मोरवाल का काला पहाड़ जैसे उपन्यास भी हिंदी साहित्य में चर्चित हो रहे हैं। इस बीच महिला कथाकारों के अनेक सार्थक उपन्यास सामने आए हैं, जिससे हिंदी उपन्यास साहित्य समृद्ध हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा का चाक, चित्रा मुदगल का आवा, मृदुला गर्ग का कठ गुलाब और अलका सरावगी का कली कथा वाया बाईपास समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अमरकांत का सन 1942 की जनक्रांति पर आधारित उपन्यास इन्हीं हथियारों से उल्लेखनीय कृति है। आधुनिक काल के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर युग में उपन्यास। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम, आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी, वाचन स्वर नीरज यादव और पोर्शिया मुखर्जी, कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।